ये मेरे पास रेडमी 9 प्राइम फ़ोन है, तो इसमें ये दिक्कत है कि जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये कंप्लीट ऑन नहीं होता है, इसी लोगों पे रुका रहता है। और दो दो चार दिन पहले ये ऑन होता था, होने के बाद जब मैं कोई वीडियो प्ले करता हूँ करता था तो करने के बाद ये बंद हो जाता था, और कॉल लगाने पे भी बंद हो जा रहा था। अभी इस समय ये इसी पे रुका रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे लगता है कि इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, जैसे हैंग ऑन लोगों पे आ जाता है तो ज़्यादा सॉफ्टवेयर का दिक्कत ही रहता है, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं है, इस तरह का दिक्कत आता है। अगर 9 प्राइम में इस तरह का दिक्कत आता है तो ये सॉफ्टवेयर से दिक्कत नहीं होता है। इसे मैं बताऊँगा क्या करना है। इसमें देखिए, इसमें ये हैंग ऑन लोगों पे है, ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हैंग ऑन लोगों पे रहता है तो बहुत सोचते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर दिक्कत है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं है इसमें। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी मैं बताऊंगा इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, बंद हो गया है, हैंग ऑन लोगों पे बंद हो जाता है। इसमें चार्ज भी बहुत है, फिर भी ये बंद हो जा रहा है लोगों पे आकर। तो सबसे पहले इसमें सॉफ्टवेयर नहीं करना है अगर इस तरह का दिक्कत आता है हैंग ऑन लोगों पे। और इससे पहले ये चल रहा था, लेकिन जब हम कोई वीडियो प्ले करते करते थे तो ये बंद हो जा रहा था, और हम कॉल भी करते थे तो बंद हो जा रहा था। लेकिन अभी इस समय ये ऑन ही नहीं हो रहा है, हैंग ऑन लोगों पे रहता है, सिर्फ हैंग ऑन लोगों पे रहता है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो कंप्लीट देखना, ये परमानेंट ही रहेगा, फिर दोबारा इस तरह का दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, ये 56% चार्जिंग है, फिर भी ये बंद हो जा रहा था, ये ओपन नहीं हो रहा था, हैंग ऑन लोगों पे ही रुका रहता है। ये 56% चार्जिंग है, फिर भी ये पूरा कंप्लीट ऑन नहीं होता है, ये एमआई लोगों पे रुका ही रहता है। तो सॉफ्टवेयर नहीं करना है अगर इस तरह का दिक्कत आता है तो। सॉफ्टवेयर का दिक्कत नहीं होता है। पहले अगर वीडियो प्ले करने बंद हो जाता है, उसके बाद में इस तरह का दिक्कत आता है कुछ दिन में, दो चार दिन में, तो सॉफ्टवेयर का दिक्कत नहीं होता है इसमें, अंदर हार्डवेयर से दिक्कत होता है। तो अभी मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है इसमें। देखिए, अभी ये ऑन ही नहीं हो रहा है, एमआई लोगों पे रुका है। तो एक वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारे फ़ोन में इस तरह का दिक्कत आता है, और प्रॉब्लम सेम सेम जगह से आता है। तो सबसे पहले आपको फ़ोन को खोल लेना है, फ़ोन खोलने के बाद देख लेना है बैटरी, कौन सा बैटरी लगा है, कंपनी का बैटरी लगा है कि नहीं। जैसे अगर एमआई का रहे तो एमआई का कंपनी का बैटरी लगा है, या तो वीवो का रहे, जो भी, पहले देखना है कि कंपनी का बैटरी लगा है कि नहीं। तो देखिए, इसमें एमआई का कंपनी का बैटरी लगा हुआ है, तो आगे वाले सिरे को ओपन कर लेना है, आपको इसी में काम करना है आगे वाले सिरे पे। देखिए, इसमें एक फ्यूज रजिस्टर लगा होता है बैटरी में, जो कंपनी का बैटरी रहता है, यही फ्यूज रजिस्टर है। तो उसे आपको क्या करना है, पेस्ट लगाकर रिमूव कर देना है। तो देखिए, सिर्फ कंपनी वाले बैटरी में इस तरह का दिक्कत आता है, और यह बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कंपनी का बैटरी लगा है कि नहीं फ़ोन में। अगर कंपनी का बैटरी लगा है तो 100% ये यहीं से रहता है दिक्कत। तो फ्यूज को रिमूव कर देना, ये रजिस्टर लगा होता है, फ्यूज रजिस्टर बैटरी में, तो फ्यूज रजिस्टर को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको शोल्डर से इसे जंपर कर देना, दोनों प्रिंट को, जो फ्यूज रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टर में दो प्रिंट होते हैं, दोनों पॉइंट को आपको शॉर्ट कर देना है। देखिए, शॉर्ट हो गया है, दोनों को मतलब आपस में जोड़ देना है। देखिए, यही फ्यूज है, ये इसे निकाल कर वापस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद टेप, आपके पास कोई भी टेप रहे तो वहाँ पे लगा देना, ताकि कहीं पे शॉर्ट ना हो। उसे इसमें टेप लगा हुआ है नीचे, फिर भी मैं अभी लगा दे रहा हूँ टेप, ताकि कहीं शॉर्ट ना हो। तो आपके पास कोई भी टेप है, जो भी है, मेरे पास तो यही वाला टेप है, तो भी मैं लगा दे रहा हूँ। आपके पास कोई भी टेप रहे, जो भी टेप रहे, लगा देना है। लगाने के बाद अब इसे ऑन करना है, बैटरी लगाकर बोर्ड में, उसके बाद में ऑन करना है। देखिए, ये कोई भी मॉडल है,
कोई भी कंपनी करे, अगर इस तरह का दिक्कत आता है, मोबाइल बंद हो जाता है प्ले करने पे, अगर वीडियो प्ले करने पे बंद हो जा रहा है, कार आने पे भी बंद हो जा रहा है, कोई भी हम काम करते हैं बंद हो जा रहा है, अगर इस तरह का दिक्कत आता है तो आपको सेम ही यूज़ करना है, यही मेथड यूज करना है। फ्यूज को रिमूव करके जम्पर कर देना है। हर फोन में जो कंपनी का बैटरी आता है उसमें फ्यूज रहता है, सभी कंपनी वाले फ़ोन में कंपनी वाले बैटरी में फ्यूज रहता है, तो उसे रिमूव करके जम्पर कर देना। देखिए ये ऑन हो गया है, देखिए कंप्लीट ऑन हो गया, अब अच्छे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, अभी बंद नहीं होगा, पहले ऑन ही नहीं हो रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह का वीडियो और भी मेरे चैनल पे है, वीवो ओप्पो सभी वीडियो देख लेना। अब ये कंप्लीट ऑन हो गया है, अब अच्छे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इस तरह का दिक्कत आता है तो सेम मेथड यूज कर सकते हैं, कोई भी मॉडल रहे, कोई भी कंपनी का फ़ोन रहे।